दोस्तों, आज का ये लेक्चर पश्तो नंबरिंग से रिलेटेड है, तो आइए चलते लेक्चर की तरफ। सबसे पहले एक को पश्तो लैंग्वेज में क्या कहते हैं? यो। एक को पश्तो लैंग्वेज में क्या कहते हैं? यो। दो, दो को पश्तो लैंग्वेज में क्या कहते हैं? द्वा। तीन को पश्तो लैंग्वेज में क्या कहते हैं? द्रे, द्रे। चार को पश्तो लैंग्वेज में क्या कहते हैं? सलोर, सलोर। पांच को पश्तो लैंग्वेज में क्या कहते हैं? पिंज, पिंज। छह को पश्तो लैंग्वेज में क्या कहते हैं? श्पेक, श्पेक। सात को पश्तो लैंग्वेज में क्या कहते हैं? उव, उव। आठ को पश्तो लैंग्वेज में क्या कहते हैं? अत। तो एक बार फिर कलेक्टिवली हमने इसको बोलना है, यौ, द्वा, द्रे, सलोर, पिंज, श्पाक, उव, अत। नौ को पश्तो लैंग्वेज में क्या कहते? नह। दस, दस को पश्तो लैंग्वेज में क्या कहते? लस, लस। ग्यारह, ग्यारह को पश्तो लैंग्वेज में क्या कहते? योलस। बारह, बारह को पश्तो लैंग्वेज में क्या कहते? दोलस, दोलस। तेरह, तेरह को पश्तो लैंग्वेज में क्या कहते? दियरलस, दियरलस। चौदह, चौदह को पश्तो लैंग्वेज में क्या कहते? स्वरलस, स्वरलस। पंद्रह, पंद्रह को पश्तो लैंग्वेज में क्या कहते? पिंजल्लस। सोलह, श्पाड़स। कलेक्टिवली हमने इसको एक बार बोलना है, नह, लस, योलस, दोलस, दियरलस, स्वरलस, पिंजल्लस, श्पाड़स। सत्रह, सत्रह को पश्तो लैंग्वेज में क्या कहते? उवल्लस, उवल्लस। अठारह, अठारह को पश्तो लैंग्वेज में क्या कहते? अतल्लस। उन्नीस, उन्नीस को पश्तो लैंग्वेज में क्या कहते? नुल्लस, नुल्लस। बीस, बीस को पश्तो लैंग्वेज में क्या कहते? शल। इक्कीस, इक्कीस को पश्तो लैंग्वेज में क्या कहते? यविष्ट। बाईस, बाईस को पश्तो लैंग्वेज में क्या कहते? द्वाइष्ट। तेईस, तेईस को पश्तो लैंग्वेज में क्या कहते? दरविष्ट, चुरविष्ट। चौबीस को पश्तो लैंग्वेज में क्या कहते? सलुरविष्ट। दोस्तों, आप कुछ हिंट से हमने उसको सेंटेंस बेस लेके जाना है। सबसे पहले मेरे पास एक सेब है, एक को हमने सेंटेंस में लेके जाना है। मेरे पास एक सेब है, मेरे पास मींस जमा सरा, एक मींस यो। सेब को पश्तो लैंग्वेज में क्या कहते? मणा। तो कलेक्टिवली अब इस सेंटेंस को हम पश्तो लैंग्वेज में इस तरह बोल सकते हैं, जमा सरा यो मणा द या यवा मणा द। दो को हमने सेंटेंस बेस लेके जाना है। मेरे पास दो किताबें हैं, मेरे पास मींस जमा सरा। दो को पश्तो लैंग्वेज में क्या कहते? दुआ। किताबें है मींस किताबुना दी, किताब की जमा क्या है? किताबें। और पश्तो में फिर इसका प्लूरल क्या होगा? किताबुना। जमा सरा दुआ किताबुना दी। मेरे पास तीन पेंसिलें है, मेरे पास मींस जमा सरा, तीन मींस द्रे। पेंसिल को पश्तो लैंग्वेज में क्या कहते? पेंसिल को पेंसिल ही कहते। तो पेंसिल इसका प्लूरल क्या होगा? पेंसिलुना। जमा सरा द्रे पेंसिलुना दी। ओ चार बाई है, ओ मींस आगा, चार बाई है मींस सलोर रुणा दी। चार को पश्तो लैंग्वेज में क्या कहते? सलोर। बाई को पश्तो लैंग्वेज में क्या कहते? रोर। दुई सलोर रुणा दी या आगा सलोर रुणा दी। मेरे पास छः चॉकलेट्स है, मेरे पास मीन जमा सरा। छः को पश्तो लैंग्वेज में क्या कहते? श्पेक। चॉकलेट्स को चॉकलेट ही कहते। अब इसके इसका प्लूरल क्या है? चॉकलेटुना। जमा सरा श्पेक चॉकलेटुना दी। सात दिन बाकी है, सात को पश्तो लैंग्वेज में क्या कहते? उव। दिन को पश्तो लैंग्वेज में क्या कहते? उराजे। बाकी है मीन्स पाते दी। उव उराजे पाते दी, उव उराजे पाते दी।
आठ गाड़ियां गुजर गए, आठ गाड़ियां गुजर गए। आठ को पुष्टलिंग में क्या कहते हैं? अत। गाड़िया को पुष्टलिंग में क्या कहते हैं? मोटरुना। गुजर गए मीन्स तेर शुल, अत मोटरुना तेर शुल, अत मोटरुना तेर शुल। ग्यारह सेब है, ग्यारह को पुष्टलिंग में क्या कहते हैं? योलस। सेब को पुष्टलिंग में क्या कहते हैं? मड़ा। यहाँ पर प्लूरल बेस सेंटेंस में तो सेब का प्लूरल क्या है? मड़े, योलस मड़े दी। दोस्तों ये पश्तो नंबरिंग से रिलेटेड आज का ये लेक्चर था। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा पर अमान।